नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, हम फिलहाल टोहाना में हैं। टोहाना में आज किसान सदर थाने का घेराव किए हुए हैं, शांतिपूर्वक धरना दिए हुए हैं। आज हरियाणा में सभी जो जिले और हल्के में सदर थाना है, सभी पर 4 बजे का समय किसानों ने रखा है, वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना देना है। धरना क्यों देना है? कुछ दिन पहले जो टोहाना के विधायक हैं देवेंद्र बबली, उन्होंने किसानों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और उसके बाद राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी और अन्य किसान नेताओं ने यहां का विरोध दर्ज किया था। बबली का यहां पर आकर कुछ युवाओं पर केस दर्ज हो गए थे और कुछ युवाओं को अंदर डाल दिया था। उन केस वापसी कराने के लिए दोबारा टोहाना का घेराव किया गया। अब फिलहाल 4 जिलों के किसान यहाँ टोहाना सदर थाने में आए हुए हैं। तो हमारे साथ जींद से सुरेश जैन हैं, जो यहाँ पर टोहाना सदर थाने में आए हुए हैं। तो हम उनसे बात करते हैं किसान आंदोलन के बारे में और जो ये घेराव किया है इसके बारे में। तो नमस्कार जी। सबसे पहले अमन युवा साथी, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ भाई। आज हम यहाँ सदर थाना टोहाना में आए हुए हैं काफिले के साथ। ये जो आप काफिला लेके आए हैं जींद से, तो ये कब तक रहेगा धरना? आज खत्म हो जाएगा? क्योंकि हमें पता चला है विकास सीसर और रवि आजाद की कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है, ये धरना अभी समाप्त कर देंगे या मतलब लंबा चलेगा? विकास सीसर और आजाद से तो अभी मिल के आया हूँ भाई, वो तो बाहर आ गए। एक और अपना साथी है जो टोहाना से, वो जब तक बाहर नहीं आएगा, चाहे 4 दिन लगो या कितने दिन भी लगो, उस भाई को भी यहाँ से रिहा करा के तभी जाएंगे भाई। वो भी पुलिस ने घर से उठाया हुआ है, तो वो भी हमारे आंदोलन का हिस्सा है। जब तक वो भाई बाहर नहीं आएगा ना, तब तक ये सदर थाना किसान आंदोलन बना रहेगा। सुरेश जी, हिसार में जब किसानों ने घेराव किया, वहां पर केस वापस ले लिए सरकार ने, टोहाना में घेराव किया, तो यहां पर भी मतलब वापस लेने की बजाय कोर्ट से जमानत मिली है, केस तो वापस नहीं लिए हैं, कहीं ना कहीं किसानों की जीत नजर दिखाई दे रही है? जीत तो भाई साहब नजर आ ही रही है। पहला सफर किया था हिसार से, फिर दोबारा टोहाना से, लगता है तीसरा नंबर ये जींद का ही लेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। हौसले मजबूत है, 6 महीने से ऊपर का समय हो गया, लंबा आंदोलन चल रहा है। आंदोलन कितना भी लंबा ले, अब तो हमारे जो नेता है उनका जो भी सुझाव आएगा उसी के साथ चलेंगे हम, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे हम। अब पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है? पीछे तो वैसे हट गए भाई साहब, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, पीछे तो वैसे हट रहे, लेकिन अब पीछे भी कुआ है और आगे भी खाई है। सुरेश जी, जैसे ये धरना खत्म हो जाएगा टोहाना का, तो फिर दिल्ली संख्या बढ़ाई जाएगी बॉर्डर पे? हाँ, दिल्ली लगातार चलती रहेगी संख्या। मैं लंगर पे भी सेवा करता हूँ, शुगर मिल लंगर पे, कल भी 10,000 के लगभग किसान भाई खाना खाए करके दिल्ली गए हैं। हर रोज मतलब अब बढ़ रहा है लंगर भी, तो ये समझो कि दिल्ली की तरफ रुझान पूरा पूरा चल रहा है। तो अब जो ये घेराव किया गया है हर जिले के हर हलके में, जो सदर थाने का घेराव किया गया है, जो ये घेराव वापस चला जाएंगे जब किसान घर वापस करेंगे, तो जो और सदर थाने पे जो धरने दिए जाएंगे वो भी वापस हो जाएंगे सभी? हाँ, उनको तो आज सुबह ही बोल दिया था कि मैं, दो भाई अपने बाहर आ गए हैं, तो जो और जिले हैं वहाँ पर धरना नहीं देना, लेकिन सिर्फ टोहाना में हिसार सिरसा फतेहाबाद ये 4 जिले जींद बुलाए गए हैं। अच्छा, मतलब ये टोहाना बुलाए गए? हाँ, ये टोहाना बुलाए गए, सिर्फ यहीं पे धरना चलेगा। अभी ये सरकार के हाथ में है, ये धरना अभी खत्म करना चाहेगी या लगातार चलाएगी, हम तैयार है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे सुरेश जांच गांव से, जींद से, जो जींद लंगर चल रहा है उस पर सेवा भी दे रहे हैं। तो ये टोहाना आए हुए थे, जो जींद से भी काफी किसान आए हुए हैं, इनका कहना है जब तक हमारे जो साथी हैं वापस घर नहीं आ जाते जेल से, दो साथियों की तो हमें सुनने में आ रहा है कि रवि आजाद और विकास सिसर, उनकी जमानत मंजूर हो गई है कोर्ट की तरफ से, लेकिन इनका कहना है जो एक साथी है वो अभी भी जेल में है, जब तक उसकी वापसी नहीं होगी धरना चलेगा। बाकी देखते हैं, यह धरना आज शाम को समाप्त होगा या कल भी चलेगा या 2-3 दिन और चलेगा, तो देखते हैं। टोहाना से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।